प्रयागराज भारत का सबसे पुराना शहरों में से एक शहर है। इसे भारत का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। यह स्थान तीन नदियां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित। मिलन स्थान को त्रिवेणी नाम से जाना जाता है और यह हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र स्थान है। संगम में हर 6 साल में आयोजित होने वाला कुंभ और हर 12 साल में आयोजित होने वाला महाकुंभ इस धरती पर तीर्थयात्रियों का सबसे बड़ा जमावड़ा है। सो गाइस, वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू रीच और अभी मुझे लगता है 1 से 2 किलोमीटर बचा होगा संगम। एंड आज 1 मार्च है एंड इट्स महाशिवरात्रि, तो क्राउड होना चाहिए। नॉर्मली तो लोग नहीं होते हैं, मतलब इतना ज़्यादा नहीं होता है, बट आज होना चाहिए। सो लेट्स सी कितना क्राउड मिलता है, बट हाँ अर्ली मॉर्निंग काफ़ी अच्छा है। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका हमारी आज के इस व्लॉग में। आज इस महापर्व महाशिवरात्रि पे हम आए हैं प्रयागराज में स्थित संगम पे। संगम बताने की कोई ज़रूरत नहीं, वो जगह सबको पता है। तो कल हमारे जो हम जर्नी स्टार्ट की थी, हम लोगों ने मैहर से स्टार्ट की थी। ओवरनाइट हमें 4 घंटे लगे, हम रात में 9 बजे आ गए थे, तो हमने यहाँ पे रूम में ही स्टे किया था। और अर्ली मॉर्निंग अभी 7:30 बज रहे हैं और हम लोग उठ के आ गए। सो उतनी भीड़ तो नहीं है, लेकिन ठीक है, फिर भी पहला दर्शन कराता हूँ मैं आप लोग को संगम का, कैसा है अभी। ये रहा बीच में संगम, यहाँ पे बीच है संगम, असल में वही है। गाइस, हम लोग नहा लिए, अब हम लोग जा रहे हैं बोटिंग के लिए। बोटिंग पे जो यहाँ चार्ज है, अभी हम लोगों ने पूरी बोट बुक की है, 400 रुपये में पूरा है। और इधर से ले जाएगा हम लोग को, इधर से एक पूरा सर्कल लेके, इधर से राउंड लेके, इधर से आएगा। तो आई होप काफ़ी अच्छा टाइम मिलेगा एंजॉय करने को। चलते हैं फटाफट। 400 रुपीज़ है, उसने हम लोग से 600 रुपये मांगे, मतलब आप और बार्गेन कर सकते हो। नॉर्मल टाइम में तो पर हेड 30-40 रुपये लेते हैं, बट अभी क्योंकि पीक टाइम है इसलिए वो पैसा थोड़ा मांग रहा है। बट ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा एंजॉय करना है तो थोड़ा बहुत तो चलता है। सो हमने 400 में पूरी बोट ही बुक कर ली है। यहाँ जो साइबेरियन पक्षी हैं उनको खिलाने के लिए ये नमकीन मिलता है, तो ये 10-10 रुपये पैकेट का है। मतलब ये बोटिंग करो तो आप ले लेना, क्योंकि इससे क्या होता है ना, वो बहुत पास आ जाते हैं, तो कुछ अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ और वीडियोस बन सकते हैं, तो ये देख सकते हैं। चलो जी, चलते हैं बोट पे। यहाँ की 4-व्हीलर पार्किंग में अलग थी, हमारी बोट पार्किंग में लग रही है। ये वाली हमारी बोट है जो ब्लू कलर है। सो वो अभी जगह बना के आगे लाने की कोशिश कर रहा है, और आप देख सकते हो साइबेरियन हर जगह है, हर जगह यहाँ पे है। तो देखते हैं हम लोग कितना करीब बुला सकते हैं नमकीन के जरिए उनको। लाइफ जैकेट मिल रही है, इसके बिना बोटिंग अलाउ नहीं है, मतलब कंडीशनल है, तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए, सेफ्टी कम्स फर्स्ट। जी हैं ये जमुना जी, ये गंगा जी, जमुना जी, नीचे सरस्वती जी,
नीचे तीन नदियां है ना, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग पानी कैसा बदल रहा है। ये कलर अलग है, उधर का कलर अलग है, अगर आप लोग को दिख रहा हो। यहाँ पे कलर अलग है, वहाँ कलर दूसरा है। मम्मी ये देखो, अभी हम लोग इन बिटवीन संगम आ गए, मेन संगम पे आ गए। सबके लिए आप लोग बुरा मान रहे हो। तो यहाँ पे यही नारियल चढ़ता है जो प्रसाद, वही नारियल प्रसाद चढ़ा रहे हैं। दोनों का निहाल लगाइए, बोलिए श्री त्रिवेणी माधवम। भीड़ आप लोग क्लियरली देख सकते हो। यस गाइस, संगम से अब हम रिटर्न हो रहे हैं वापस। बोट हमारी जा चुकी है संगम पे। हमने प्रसाद उसाद जो भी थी चीज़ें, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है, बट थोड़ा सा देख के अपना, मतलब पंडित जी बहुत कुछ बोलते हैं तो अपने हिसाब से, हमने तो मतलब वो देख लेना आप, वो मैं कुछ नहीं बोलता। और अब हम बोट से जा रहे हैं वापस। साइबेरियन यार, मुझे इनको हाथों से खिलाना था, पर पता नहीं क्यों ये खा नहीं रहे हैं। ओवरऑल अच्छा था ये लाइफ जैकेट, वैसे अच्छी है, मतलब कंफर्टेबल है और आपके लाइफ के लिए लाइफ सेवर है। यस यार, राइसो थोड़ा इधर फेंकना, रुक जाओ इस साइड बुलाओ। ये थोड़ा और इधर से ले चलना यार, वो सामने फोर्ट है आप देख सकते हो। ए राजेश्वर, ये अकबर किला है ना, राजेश्वर वो कौन सा किला, अकबर वाला है ना, अकबर किला नाम से, इसे अकबर किला नाम से यहाँ जाना जाता है। मैं सरकता चला जा रहा हूँ, मैं पता नहीं मैं कैसे बैठूँ। नाउ कम साइबेरियन पास नहीं आ रहा यार, इसी बात का गम है। तो गाइज, आप लोग को ये संगम का वर्चुअल जर्नी थ्रू आउट कैमरा ऑन व्हील्स अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख के बताओ। अरे ये देखो आ गया। तो ये बोट पे भी दाना बेचते हैं, अगर आप पक्षियों को जो खाना खिलाते हो मतलब दाना वो खत्म हो जाता है तो यहाँ से भी ले सकते हैं। मेरा हाथ पे खा ले यार, प्लीज खा ले। अरे उड़ गया। ये रहा अकबर किला, अभी इसमें एंट्री अलाउ नहीं होगी क्योंकि यहाँ पूरा कैंटोमेंट बना दिया गया, अब इसमें आर्मी रहती है। पहले कभी किसी ज़माने में अकबर रहते होंगे, बट अब ये पूरा कैंटोमेंट एरिया हो गया, अब इसमें केवल आर्मी रहती है। सो कभी ओपन होता है अच्छा, बट इसी में कभी ओपन होता है कभी नहीं, बट अभी का नहीं पता, अभी शायद बंद है, बट मैं एक बार क्रॉस चेक करूँगा, अगर खुला हुआ तो ले चलूँगा। और जो अट्रैक्शन पॉइंट है इलाहाबाद का, वो मैं आप लोग को यहीं से दिखाता हूँ, जिसको नैनी ब्रिज बोलते हैं। वहाँ पे घाट है सरस्वती घाट, आप वहाँ भी जा सकते हो अगर आते हो कभी इलाहाबाद तो। वो घाट रात में ज़्यादा प्यारा लगता है और नैनी ब्रिज रात में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे तो हमारे काफ़ी सारे जाने दो यादें जुड़ी हुई हैं। चलो जी, नैनी ब्रिज दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये सामने अगर आप देख पा रहे हो सबसे,
नहीं, मेरी इसकी खासियत यह है कि वैसे ऐसे आप उस पर खड़े होगे तो आपको लगेगा वो हिल रहा है। और हमारा बोटिंग का भी जो पॉइंट है वो अब एंड पे आ गया है, अब रोटेट करके हम वापस जा रहे हैं। संगम व्यू पॉइंट कुछ नया बना है क्या रहा है कि था ये हमेशा से? गाइस ये रहा, ये आप देख सकते हो इस बोट के पीछे जो है वो नैनी ब्रिज है, मैं दिखाता हूँ। हाँ जी, ये रहा नैनी ब्रिज। सो बहुत ही ब्यूटीफुल है, अगर आप कभी आ रहे हो तो ज़रूर जाओ, नैनी ब्रिज घूम के आओ। यहाँ जंगल में मंगल करने वाला सीन तो नहीं मिला, लेकिन ऊँट मिल गया है और ये ऊँट हमको बहुत बेशर्मी के साथ हट हम नहीं खिंचाएगा फोटो। ठुमुक 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 ठुमुक। अनफॉर्चुनेटली अभी जो मंदिर का गेट है वो बंद है, बड़े हनुमान जी का, तो अगर आप संगम पे आते हो यहाँ भी दर्शन कर सकते हो। अभी हम लोग पहले मनकामेश्वर जा रहे हैं क्योंकि हम लोग को शिव जी के दर्शन करने हैं, फिर वहाँ से टाइम लगा तो यहाँ आएंगे। गाइस गेट खुल गया तो हम लोग एक बार फिर जा रहे हैं दर्शन करने। अभी जस्ट गेट खुला है तो दर्शन करके फिर आते हैं, हनुमान जी का भी दर्शन करके तब मनकामेश्वर जाएंगे। बड़ी मशक्कत के साथ बड़े हनुमान जी का दर्शन हुआ और धक्का मुक्की बहुत ज़्यादा थी। सो दर्शन करने के बाद अब हम लोग मनकामेश्वर जा रहे हैं और अब थोड़ी थकान हो रही है क्योंकि सुबह से ही चल रहा है। हम लोग वहाँ से नागपास की मंदिर है वहाँ आ गए जल चढ़ाने के लिए, शिवरात्रि है तो मम्मी कह रही थी जल चढ़ाना इज मैंडेटरी जो कि है। तो हम लोग मनकामेश्वर नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ पे बैरिकेडिंग कर रखी है। सो ये रहा नागपास की मंदिर, हम लोग यहाँ पे हैं, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, भीड़ कम है, सबसे अच्छी बात सुकून से दर्शन होंगे एंड एक्साइटमेंट नो डाउट आप देख सकते हो शिव जी को लेके तो लोगों में हमेशा से उत्साह रहा है। सो बहुत ही बेहतरीन मंजर है इलाहाबाद का। वो बैर नहीं बैर अंदर है। ए बावर्ची, छोटा बावर्ची, बड़ा बावर्ची, ये छोटा बावर्ची, ये बड़ा बावर्ची, ये उसको ट्रेन कर रहा है, ये छोटा बावर्ची, ये मोटा बावर्ची। आप अपनी ट्रेनिंग में ये सब क्रियाकलाप घर पे मत ट्राई करें, पौना कल्चर मत चलाएं, बच के रहें। किसके बारे में बता रहे थे? बता रहे थे कॉफी पीने से आदमी गोरा होता है, गोरा होता है, काले हैं और ट्राई भी कर रहे हैं।
मोटे होने के लिए भी ट्राई कर चुके हैं, अभी देखिए कोल्ड ड्रिंक लेके आ रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक लेके आ रहे हैं। तो ये सारी वार्तालाप इन महापुरुष सुडौल पहलवान जी के बारे में बात हो रही थी। कलाकारी और क्या। सो प्रयागराज आ गए हैं हम लोग वापस, अब गोरखपुर के लिए निकल रहे हैं। ट्रेन हमारी एक घंटे में आने वाली है, सो ट्रेन आती है फिर चलते हैं बैक टू पवेलियन, घर चलते हैं, जर्नी ख़त्म। आई होप ये सीरीज अच्छी लगी होगी, 3 दिनों की काफ़ी दौड़ा भागी हो गई, बट अच्छा था। ओए इधर आओ, इन सब से बोलना चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने को, चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए शेयर करिए और खूब के लाइक और सब्सक्राइब करिए दबा के, लाइक करिए सब्सक्राइब करिए शेयर करिए शेयर करिए और बेल आइकन को जय बेल आइकन को जरूर दबाएं, उनको बता दो बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। वेरी नाइस, वेरी गुड। चलो जी बाय 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 बाय। अच्छी बात बताएं बाय, नहीं कोई बात सब्सक्राइब नहीं।